हे गाइस वेलकम टू डैशिंग ऑटो। आज लेके आया हूँ काफी कमाल के डैशिंग ऑटो अपडेट्स को लेके। दोस्तों शुरू करेंगे, सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है काफी जबरदस्त सा लैम्बोर्गिनी की तरफ से, लैम्बोर्गिनी की हुरकन स्टीराटो। दोस्तों ये गाड़ी आनी थी, मैंने इसके बारे में पहले आपको बता रखा है। दोस्तों गाड़ी बहुत जबरदस्त सामने निकल के आई है, यहाँ पे सारी पिक्चर्स में लगा रहा हूँ, देख कर देख कैसी लग रही है देखने में। दोस्तों ऑफिशियली बता दूं ये बहुत ही लिमिटेड गाड़ी होने वाली है, इसके अंदर टोटल आपको 1499 यूनिट्स ही मिलेंगे, तो गाड़ी सच में बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगी। दोस्तों इसके अंदर आपको 5.2 लीटर का V10 इंजन मिल जाता है जो कि है नेचुरल एस्पायर्ड, 610 एचपी की पावर और 560 नैनोमीटर का टॉर्क मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं व्हील्स की तो ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आती है। इसके अंदर आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे 0-100 3.4 सेकंड में पकड़ लेती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 260 किलोमीटर पर आवर की है, तो ओवरऑल गाड़ी बहुत जबरदस्त है और काफी ज्यादा लिमिटेड है। देखते हैं इसका प्राइस क्या आता है क्योंकि अभी अनवील हुई है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है ट्रैक ओनली डी टोमासो। अब दोस्तों ये अलग सा नाम है, बेसिकली ये एक अलग कंपनी है, इनकी P900 हाइपर कार है जो कि दोस्तों अनवील हो चुकी है। देखिए यहाँ पे पिक्चर मैं लगा देता हूँ। दोस्तों गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है, 6.2 लीटर का V12 इंजन आएगा इसके अंदर। दोस्तों इसका नाम जो है P900 है क्योंकि इसका वेट जो है वो 900 केजीज का है, प्लस इसकी जो पावर है वो भी 900 एचपी की है। दोस्तों गाड़ी सच में बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे बता दूं ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहने वाली है। वर्ल्ड वाइडली सिर्फ इसके 18 यूनिट्स ही बनेंगे, प्लस जो भी इन गाड़ियों को लेंगे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी इस गाड़ी को चलाने के लिए, ट्रैक रेडी किया जाएगा क्योंकि ये ट्रैक रेडी कार्स हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे भी बता दूं कि इन गाड़ियों को सेटअप करने के लिए भी टीम आएगी, जो लोग खरीदेंगे उनके घर पे जाके सेटअप करेंगे पूरी गाड़ी को जैसा जैसा वो चलाना चाहेंगे। दोस्तों काफी जबरदस्त है, आपको लगता है इसका प्राइस क्या हो सकता है? दोस्तों अभी ये अनवील हुई है, अभी इसका प्राइस आना बाकी है, 2024 में इसकी डिलीवरी वगैरह शुरू होगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे ह्यूंडई की तरफ से काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है, ह्यूंडई i20 का फेसलिफ्ट होने वाला है, इसको स्पाई कर लिया गया है टेस्ट करते हुए। दोस्तों ये अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, यहाँ पे आप बता दूं ये गाड़ी जो है आप देख सकते हो कवर्ड है बैक से भी फ्रंट से भी। दोस्तों गाड़ी के अंदर आप बता दूं एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर चेंजेस होने वाले, कॉस्मेटिक चेंजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर का नेचुरल एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जिनके अंदर आपको 83 एचपी की पावर मिलेगी नेचुरल एस्पायर्ड वाले में, 120 एचपी की पावर मिलेगी आपको टर्बो चार्ज वाले में, तो टर्बो पेट्रोल इंजन काफी जबरदस्त है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, ये इंडिया में ओनली पेट्रोल के ऊपर आने वाली गाड़ी है, तो इसमें डीजल इंजन नहीं आएगा, देखते हैं और क्या कुछ निकल के आता है। वैसे ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होगी, देखते हैं डेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है टोयोटा की तरफ से, टोयोटा की इनोवा क्रिस्टल। दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये गाड़ी आ सकती है सीएनजी वेरिएंट के साथ में। दोस्तों बताया जा रहा है 2.7 लीटर का जो इनका एक इंजन था जिसमें सीएनजी डालकर ये लॉन्च कर सकते हैं दोबारा से। अब दोस्तों देखते हैं इसके ऊपर काम चल रहा है, एक सीएनजी ऑप्शन तो आने वाला है, इसका तो कंफर्मेशन हमें पहले से था, लेकिन अभी जो है ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि फ्यूल के साथ में सीएनजी का शायद टेस्टिंग वगैरह कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, देखिए क्या निकल के आता है, आपको जरूर बताऊंगा जैसी लॉन्च होगी। वैसे गाइस यहां पे बात करते हैं टू व्हीलर्स की, जिसमें अपडेट निकल के आ रहा है बजाज की तरफ से, बजाज चेतक। दोस्तों ये जो इनका स्कूटर होगा बताया जा रहा है बहुत जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन इसको जो है सोल्ड किया जाएगा कुछ डेडिकेटेड आउटलेट्स के साथ में, यानी कि दोस्तों मतलब कुछ डेडिकेटेड कुछ सिलेक्टेड आपको आउटलेट्स के ऊपर ही मिलेगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे ये स्कूटर तो काफी अच्छा होगा, नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होने वाला है, देखते हैं और क्या कुछ निकल के आता है। वैसे अगला अपडेट निकल के आ रहा है ओला की तरफ से। दोस्तों ओला ने प्लान कर लिया है 200 एक्सपीरियंस सेंटर को ओपन करने के लिए इस ईयर के एंड तक, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले, देखते हैं इनके अंदर क्या एक्सपीरियंस मिलेगा हमें और कैसे कैसे काम करेंगे। पर दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है, आपको नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा ओला की तरफ से। दोस्तों बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक इनकी जो फेस्टिवल सेल या डिस्काउंट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, तो अगर आप लेना चाहोगे ओला का स्कूटर तो आप ले सकते हो। दोस्तों आज के ऑटो अपडेट्स यहीं पे होते हैं, वैसे टेक न्यूज के लिए फिट टेक पे जाना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।